सोमवार को जबलपुर सांसद राकेश सिंह जिला अस्पताल स्थित कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने बारीकी से वैक्सीनेशन प्रक्रिया को समझा और चिकित्सकों से पूरी जानकारी हासिल की। इस दौरान टीका लगवाने के लिए आए लोगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और मार्गदर्शन के लिए चिकित्सकों को बधाई भी दी। उन्होंने अस्पताल की सफाई और स्वास्थ्य कर्मियों से भी मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद राकेश सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कोरोना वैक्सीन पर विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस बात की तकलीफ थी कि अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं बनी, और अब वैक्सीन बन गई तो इस बात की तकलीफ हुई कि वैक्सीन भाजपा कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं लगी। यदि भाजपा कार्यकर्ता को वैक्सीन लगती तो उन्हें उस पर भी तकलीफ होती। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ आलोचना करना ही उनका काम है। हमारी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए जो मापदंड तय किए हैं पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं। पूरी दुनिया इस बात से प्रेरणा ले सकती है कि देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर यह निर्णय लिया गया है कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाया जाए, क्योंकि उन्होंने इस महामारी में देवदूत के तौर पर काम किया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। चले बाहर जिसको इंजेक्शन लगा उनका सर्टिफिकेट है। भैया जी, आज निरीक्षण किया है आपने यहाँ विक्टोरिया अस्पताल का? हम सब अरे तो तुम अपनी उस साइड हल्की सी लो आ जा, लो लो आ जा, इस तरफ घुमाइए आईडी, नीचे कर लो ना, अरे ये छुप गई, ये छुप गई। आज मैंने और मेरे साथ हमारे जबलपुर के जनप्रतिनिधियों ने, हम सभी ने विक्टोरिया हॉस्पिटल में टीकाकरण होते हुए अपनी आंखों से देखा है। हल्का सा नीचे करो ना, और हमें गर्व होता है कि हम उस देश में रह रहे हैं जिसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। पूरी दुनिया जिस कोविड जैसी महामारी का सामना कर रही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने न केवल लॉकडाउन के दौरान कोविड से लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, अपना और अपने परिवार के लोगों का बचाव किया, और वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमें गर्व है इस बात का अपने देश के वैज्ञानिकों पर भी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इतने कम समय में देश के भीतर ही ये वैक्सीन तैयार कर दी कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए, कोविड को समाप्त करने के लिए। और आज वही स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड आज देश में सभी जगह पर लगना प्रारंभ है। प्रथम चरण में जबलपुर में जो वैक्सीन आई है लगभग 28,000, उसमें चिन्हित किया गया है कि सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर से लेकर और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए बाकी सभी कर्मचारी, सबसे पहले उनको ये वैक्सीन लगेगी। और ये आवश्यक भी है क्योंकि आखिरकार ये वही लोग हैं जो इस महामारी से लड़ने में हमारे लिए देवदूत के रूप में सामने खड़े हैं, हमें बचा रहे हैं, और इसलिए उनको ये लगने वाला है। दूसरा डोज 28 दिन के बाद लगता है। उन दोनों की तैयारियां हो चुकी हैं। इसके बाद हमारी दूसरी वैक्सीन भी जो स्वदेशी ही है वो भी सामने आने वाली है, और उसके बाद जो क्रम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है उस क्रम के अनुसार लोगों को वैक्सीन लगना प्रारंभ होगी। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश भी जिस वैक्सीन को नहीं बना पाए वो वैक्सीन हमारे देश के भीतर हमारे वैज्ञानिकों के कर्मठता के आधार पर उन्होंने तैयार कर ली है। इस बात का प्रत्येक देशवासी को गर्व है। अपने उन वैज्ञानिकों को हम सलूट करते हैं और देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी वैक्सीन तैयार करके उसको समय के भीतर अपने देश में शुरुआत कर पाए। ऐसा नहीं हुआ उनके देशों में, लेकिन हमारे देश में ये शुरुआत हो गई है। हमला बोल रही है। बब्बू भाई ऐसे आ जाइए, आइए इधर पीछे आ जाइए। आप देख रहे हैं।
रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।